बच्चों वरम वा डेटिड अठाई छह दो हज़ार इक्कीस क्लास इंग्लिश टॉपिक है प्यारे बच्चों वो हैं दौलर एंड दुल्ज पार्ट वन दौलर एंड द कई वन हा पान अ टाइम दियर लिवर इन ए फॉरेस्ट एट दिनी थाउजेंड कुलेज एलरू काट कैम ट प्लेसिटेट दफल टिल द बोर्ड्सर ही फ्लंग हीज नैट अम एंड सैडस ऑफ द नैट टुगर सो एज to get them all huddled up in a heap. Then he crammed them into his basket and sold his prey for living before going his home. प्यारे बच्चों एक जंगल में एक दफा का जिक्र है एक जंगल में एक कोयलों का जुंड रहता था जिसका एक सरदार था तो यहाँ पे यहाँ पे ये यह शिकारी क्या काम करता था ये इनको पकड़ता था और ये इनकी नकल करता था फिर इन बोर्ड्स को यहाँ पे पकड़ता था इन बिटेरों को इन तीतरों को यहाँ पे पकड़ता था अब यहाँ पे इसने ये क्या काम किया इसने एक जाल लाया और फिर ये जाल इनके ऊपर फेंकता था तो फिर इनको ये पकड़ता था तो पकड़ने के बाद फिर ये इनको अपनी टोकरी में फिर टोकरी में भरता था और उसके बाद फिर बेचता था तो उसके बाद फिर ये गार जाता था वन डे द लीडर कोयल सेट टू दइल टू अदर की फाउलर इज ग्रीटिंग अन एबल कैच एस तो एक दिन इनका ये जो लीडर जो था इसने इनको बाकी को यहाँ पे आपने ये जो जुंड था इनको यहाँ पे समझाया कि ये जो शिकारी जो है ये हमको मुश्किल में डालता है यह हमको यहाँ पर पकड़ता है अब हम क्या काम करेंगे मेरे पास एक तरकीब है हैन फोल द वेरी मोमेंट ही थ्रो हिज नेट ओवर यू लेट ईच वन ऑफ यू पुट हिज हैट थ्रो ए नेट एंड देन ऑल ऑफ यू टुगेदर मस्ट फलो अवे विद द नेट ऑफ टू सच अ प्लेस एज यू प्लीज एंड लेट ए डाउन ऑन द दॉर्न बेक दिस डन वल स्कवे फ्राम अवर से वेरी गुड सेट दे एगरीमेंट तो चूंकि इनका यह सरदार जो था अब इसने अपने इन जोड़ों को क्या कहा मैं आपको एक तजवीज़ बताता हूँ जो ये हमारे ऊपर ये जाल क्या हम सब अपना अपना सर नीचे रखेंगे तो फिर हम इकट्ठे इस जाल को उठाएंगे और फिर हम इसको कहीं झाड़ियों पे फेंकेंगे ताकि ये बंद हो जाएगा और हम अपने मकासद में कामयाब हो जाएंगे और फिर हम इस मुश्किलात से बचेंगे है ना प्यारे बच्चों ऑन द मारो वेन द नेट वॉज कास्ट ओवर देम देट जस्ट एज दीडर क्विल टोल्ड देम दिफ्ट ऑफ द नेट एंड लेट इट डाउन ऑन एथॉर्न बैक स्के तो दूसरे दिन इन्होंने वाईसाई किया था जैसे इनके सरदार ने इनको कहा था बिल्कुल इसी तरह जो ही इनके ऊपर अब यह नेट फेंका गया अब इन्होंने अपने अपने सरों के ऊपर इसको उठाया और झाड़ियों में बांध किया है ना बारे बचो और नीचे से फिर ये निकल गए और इन्होंने अपने आप को बचाया

कोयले जो थे ये इनको उठाते थे चाड़ियों में बंद करते थे और अपने आप को बचाते थे तो यहाँ पे अब ये मामूल का काम बन गया क्योंकि जब ये घर वापस जाता था खाली हाथ तो इसकी बीवी जो थी अब उसको यहाँ पे शरारत भी चढ़ती थी कि आप हर रोज खाली हाथ आते थे आपको और कोई तरकीब यहाँ पर सोचनी है इसके अलावा तो प्यारे बच्चों ये था हमारा इसका पार्ट वन बाकी